आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच नंबर 1 जो कि कल होने वाला है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो उसी मैच की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ अनुराग द्विवेदी, आप सभी का छोटा भाई, और आज इस वीडियो में हम इसी मैच की बात करेंगे, तो ये वीडियो पूरी देखते रहिए। सो ये मैच होने वाला है लंदन में, लेकिन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं, कैनिंगटन ओवल में। तो ये इस पी यहाँ की पिच में क्या डिफरेंट है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेइंग 11 की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एक ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम, उसके बाद ड्रीम 11 की टिप्स, और एंड में एक मैच का प्रेडिक्शन करेंगे और उसका आपको रीज़न भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, ये जो चीज़ें मैं वीडियो में बताऊँगा, इनका जो फाइनल अपडेट होगा वो टॉस के बाद होगा। उनको अगर आपको देखना है तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे फॉलो कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं पिच रिपोर्ट से। सो यहाँ की जो पिच है वो एक न्यूट्रल पिच है, यानी कि बैटिंग में आप समझ सकते हो, अगर इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करती है और टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता है, उनका तो इंग्लैंड टीम की खास बात है, टॉप ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग 300 प्लस कर सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम में मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब बैटिंग में लो कंपेयर करें अगर इंग्लैंड से, तो थोड़ा कमज़ोर है। तो एक न्यूट्रल पिच होगी जहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, और इसके बाद क्योंकि यहां पर पिछले मैच में जो वार्म मैच हुआ था, जो रूट ने 3 विकेट दिए थे बॉलिंग में, तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर दोबारा उनसे बॉलिंग कराई जाती है नहीं, क्योंकि ये लीग मैच है, वो वार्म मैच था, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लीग मैच और वार्म मैच में। तो पिच स्पिनर्स को हेल्प करेगी और जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी विकेट मिलेंगे, और रन भी अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं कि रन अच्छा नहीं बनता, रन भी अच्छे बनते हैं अच्छी पीछे बैटिंग के लिए भी। सो अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो अगर साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें पहले, तो क्विंटन डिकॉक हास्ट में हम लोग ओपनिंग करेंगे, फिर फैब डू प्लेसिस, फिर रैसी वेंदर डसेन, उसके बाद जेपी ड्यूमनी बहुत ही ज़रूरी आप समझ सकते हो, उसके बाद एंडली फेलिक वायो, फिर क्रिस मोरिस हो गए, उसके बाद इमरान ताहिर, कगिसो रबाडा, लुंगी निगड़ी, तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अगर इनके इसमें बात करें, जैसे जेपी ड्यूमनी होगा काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, फैब डू प्लेसिस काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, हाशिम अमला भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और क्विंटन डिकॉक भी। बॉलिंग में इनका मेन जो बॉलर होंगे ना, वो दो बॉलर होंगे, क्योंकि जिसका नाम है इमरान ताहिर और कगिसो रबाडा। बट मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ लुंगी निगड़ी से, बिकॉज उस गेंदबाज के पास अच्छा बाउंस है और अच्छा पेस है, तो वो बॉलर भी बहुत कुछ यहाँ पर कर सकता है। अगर सो इंग्लैंड को हराना है तो इनके बॉलिंग को बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। सो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर बैटिंग करेंगे जो रूट, फिर आएंगे उनके कैप्टन इयान मॉर्गन, फिर आएंगे बेन स्टोक, फिर जॉस बटलर बेन स्टोक के ऊपर भी आ सकते हैं हार्ड हिटिंग के लिए, ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद मोइन अली, उसके बाद क्रिस वोक्स, फिर आदिल राशिद, एंड देन आप सबको पता है क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर लियाम प्लंकेट। अब लियाम प्लंकेट जोफ्रा आर्चर में से किसको खिलाते हैं मुझे नहीं पता, देखते हैं वो किसको खिलाते हैं। वही हाल उनका भी है मार्क वुड और टॉम करन का भी, अब देखने वाली बात है वो किसको खिलाते हैं। फाइनल अपडेट के लिए सोशल मीडिया पर आप लोग रेडी रहना। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली उनके प्लेइंग 11 की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 टीम, और ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं, तो चलिए बनाते हैं ड्रीम 11 टीम। सो विकेट कीपर में हमने 2 विकेट कीपर के साथ हम जा रहे हैं, एक हो गए जॉनी बेस्टो और एक हो गए क्विंटन डिकॉक, क्योंकि ओपनिंग करेगा डिकॉक लेना ज़रूरी है यार। उसके बाद बैटिंग की बात करें, बैटिंग मैंने से मैं सिर्फ 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो और फैब डू प्लेसिस। मैं यहाँ पर हाशिम अमला को ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि हमारा क्रेडिट मेंटेन हो जाए और एक अच्छी टीम बन जाएगी। 50 ओवर का क्रिकेट है यार, यहाँ पर ऑलराउंडर को भी मतलब फोकस करना पड़ता है। तो ऑलराउंडर में हम यहाँ पर जाएंगे जेपी ड्यूमनी, एंडली फेलिक वायो और बेन स्टोक्स के साथ। बेन स्टोक, अगर आप एक काम कर सकते हो, अगर इंग्लैंड की टीम अगर बाद में बैटिंग करे तो आप बेन स्टोक की जगह पर मोइन अली को ले सकते हो, और क्रेडिट मेंटेन करके फिर आप अपनी टीम में हाशिम अमला को मैनेज कर सकते हो, या फिर कगिसो रबाडा, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में कगिसो रबाडा को मिस करने जा रहा हूँ। तो हम बॉलिंग में लेने जा रहे हैं इमरान ताहिर, आदिल राशिद और उसके बाद क्रिस वोक्स को। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर आदिल राशिद, इमरान ताहिर दो स्पिनर साथ, क्योंकि दोनों ही रिस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, और लेग स्पिनर को एडवांटेज बहुत होती है, और इस पिच पर शायद दो विकेट तो 3 विकेट तो आसानी से इमरान ताहिर या आदिल राशिद में से कोई एक लेग स्पिनर ले ही लेगा, तो इसीलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई चेंज कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन की यहाँ पर जो बैटिंग में जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी बैटिंग और विकेट कीपर में, सभी बढ़िया ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बट यहाँ पर मैं आपको जेसन रॉय को सजेस्ट नहीं करूँगा, स्मॉल लीग में आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज जेसन रॉय ऐसे प्लेयर हैं जो वीरेंद्र सहवाग की तरह हैं, हिटिंग करते रहते हैं,
हो सकता है आउट हो जाएं, ज़्यादा देर इनको, इनको तो ज़्यादा स्लो खेलना पसंद नहीं है तो उनको नहीं सजेस्ट करूँगा। बाकी आप जॉनी बेस्टो, क्विंटन डिकॉक, फाइव टू प्लेसिस और जो रूट काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छे किफ़ायती ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉल लीग में। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा फाइव टू प्लेसिस और जो रूट में से किसी किसी दो दो के साथ जाने की कैप्टन वाइस कैप्टन में। फाइनल क्या होगा वो आपको मैं सोशल मीडिया पर अपडेट कर दूंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन टिप्स। तो ड्रीम इलेवन टिप्स आपको ये दूंगा कि आप कगिसो रबाड़ा, देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कगिसो रबाड़ा, लुंगी निगडी दो ऐसे बॉलर हैं, अब अगर ये बॉलर ने अगर परफॉर्म कर दिया तो इंग्लैंड की टीम यहाँ पर मैच हार सकती है। तो आप ऐसी एक टीम बनाना आप साउथ अफ्रीका के फेवर में जिसमें ये एक में कगिसो रबाड़ा, एक में लुंगी निगडी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख लेना, ठीक है। इमरान ताहिर भी अच्छी चॉइस है वाइस कैप्टन के लिए। उसके बाद एक और टिप देते हैं आपको, जॉस बटलर, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की और अगर टॉप ऑर्डर में जैसन रॉय जल्दी आउट हो जाते हैं या जैसन रॉय जो रूट या वो जॉनी बेस्ट जो रूट अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो जॉस बटलर यहाँ पर हार्ड हिटिंग करेंगे और इनको विकेट कीपर बहुत कम लोग लेने वाले हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और हार्ड हिटिंग करेंगे बहुत जल्दी सेंचुरी बना सकते हैं। तो ये दो टिप हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन की। सो मैच प्रेडिक्शन यार मुझे लग रहा है इंग्लैंड ही मैच जीतेगा क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं ना फॉर्म में, जिस फॉर्म में उनके प्लेयर्स हैं लगता है शायद हराना मुश्किल है इंग्लैंड को, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो और कोई टीम, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है और मुझे तो इंडिया के साथ भी काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन लग रहा है इंग्लैंड का। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंग्लैंड के साथ मैच प्रेडिक्शन करके, मैं मुझे लग रहा है इंग्लैंड मैच जीतेगी। आपको क्या लग रहा है आपको वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों ये मेरा पहला एपिसोड था फैन कोर्ट पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मज़ा आया हो ना तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।